सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी। महाराज हरसाल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाया गया है, क्या मान्यता है, क्या कहेंगे? हमारे भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में अन्नकूट गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के बाद माता लक्ष्मी पूजा करने के बाद अन्नकूट का गोवर्धन पूजा मनाते हैं। भगवान को नाना प्रकार व्यंजन का भोग लगता है और आज दिन गौ माता गौवंशियों को विशेष पूजा किया जाता है। ये सोच करके कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस परिपाटी को प्रारंभ किया था और गौ माता संरक्षण हो, संवर्धन हो, इस नाम से इस उत्सव को बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। हमारे जो यादव बंधु हैं आज दिन विशेष रूप से उत्साहपूर्वक वे लोग नाच गाना करते हुए एक से एक दोहा लगाते हुए भगवान दरबार में आते हैं, गौ माता को सुहाई बांधते हैं, जो एक प्रकार का उनका सामाजिक श्रृंगार है। तो ये परिपाटी है और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में ये परिपाटी होनी चाहिए। और जब से ऐतिहासिक जैतू सावमठ की स्थापना हुई है तब से लेकर आज पर्यंत इसको हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज गायों की पूजा हो रही, गोवर्धन पूजा है, आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और एक नए, अगर चुनावी माहौल सफल रहा आपका तो फिर एक नए पद में आपको हम देखेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सेवक हूँ भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, शिवनारायण भगवान का, राजेंद्र जगन्नाथ जी का। मैं मठ मंदिर के चार दिवस अंदर रह कर सेवा करता हूँ, मठ मंदिर चार दिवस बाहर निकल करके जनता जनार्दन सेवा में अपने आप को तल्लीन कर लेता हूँ, बस इतने ही है। सेवा का विस्तार है, बाकी कुल मिलाकर मैं सेवा करता हूँ।